जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी कार्तिक मास के महात्म्य का 27वां अध्याय, कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, वैसे ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया, मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया, जरा ठहरो, ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आता देख वज चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्वित श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं था, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा, इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिशिक्षित कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है
कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। तो दोस्तों, यहाँ होता है कार्तिक मास के महात्म्य का 27वां अध्याय समाप्त। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।